पैकिंग सारी हो गई है और भगदीता भी पढ़ ली है, अब पेट पूजा बाकी है। कुछ हल्का उल्का करके निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और बैग मैंने ऐसे रख दिया, कोई सजाया वजाया नहीं है इधर, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाते ही ना सबसे पहले हमारे कैमरे निकलेंगे, इसमें जो गोप्रो रखा हुआ निकलेगा, इसके चार्जर्स निकलेंगे, अनपैक होगा सारा, वहां पे बड़ा बुरा लगता है यार इतना अच्छा पैकिंग। चलो निकलते हैं, पहले खाना खाते हैं उसके बाद। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, बैग वगैरह पैक करवा दिए हैं, भैया लगे हैं रस्सी ढूंढने के लिए। तो चलो निकलते हैं, अभी खाना पीना हो गया हमारा, ज्यादा नहीं खाया, बस एक हल्का टोस्ट ही खाया था और एप्पल खाया साथ में, हल्का फुल्का यहाँ पे खाया क्योंकि फ्लाइट में भी जैन मिल ऑर्डर की हुई है, फ्लाइट में मिली जाएगी। और आपको पता है जो फ्लाइट की हुई है ना उसमें मैं लास्ट टाइम मैं बैठा था फ्लाइट में इंडिगो में, लेकिन इस बार भाई एक्चुअल में इंटरनेशनल फ्लाइट है जिसमें मैं फर्स्ट टाइम बैठा हुआ। दिल्ली के जो ट्रैफिक है ना उसको देखते हो अपने टाइम पे निकल चुके हैं, तो बस टाइम पे ही पहुंच जाएंगे वहां पे। जी ऐसी बात नहीं है, ट्रेन तो दिल्ली में भी है। पहुंच गए एयरपोर्ट पे, जितना टाइम लगता ना उससे भी जल्दी पहुंच गए एयरपोर्ट। भाई सबसे ज्यादा चेक इन हमारा हो चुका है और लग गया चेक के लिए भी बड़ा सा फटका लग गया है, और उन्होंने बहुत अच्छा बंदा था यार, उसने मेरे को अरेंज करवा दिया बैग एक दो उसमें भर के, मैंने कहा चलो करते हैं चेक इन के लिए जो लेके जाने फ्लाइट में साथ में वो भी मेरे को दे दिया वेट उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे थोड़ा। तो चलो अब चलते हैं यार, बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट बना हुआ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में, पहली फ्लाइट मैंने जो ली थी दुबई की वो थी चंडीगढ़ से, बहुत ही प्यारा बना हुआ यार एयरपोर्ट। फ्लाइट है अपनी एमिरेट्स की, अभी यहाँ पे खड़ी नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम ऊपर जा रहे हैं फूड कोर्ट कुछ खाने के लिए, खा पी के फिर चलेंगे आगे। यहाँ से मेरे ख्याल से आवाज अच्छी आ रही होगी। अभी हम फूड कोर्ट में आए हैं, थोड़ा कुछ ऑर्डर करके खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। हमारी है एमिरेट EK515 दुबई। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी वो मैं आपको फ्लाइट में बताता हूँ, यहाँ उतर के बताऊंगा अगर आवाज नहीं आएगी तो। थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्या हो गया था वो बताता हूँ अभी आके। बस यहाँ पे अब अंदर आए हैं आधे घंटे के वेटिंग के बाद, सारी सारी कहानी बताऊंगा हुआ क्या था। हमारे साथ नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 10 से 12 पैसेंजर के साथ हुआ है। भाई फ्लाइट में बैठ गए हैं, अभी आपको बताता हूँ मैं कहाँ से कहाँ जाएंगे। अब देखो हमारी फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होगी दिल्ली से, दिल्ली के बाद जयपुर, जयपुर आएगा बीचली, जयपुर से होती हुई नवाबशाह के बाद पाकिस्तान के बाद ओमान है, ओमान के बाद दुबई, यहाँ लैंड हो जाएगी। देखो और माइल्स हैं हो गए 1400 और 3 घंटे पहुँच जाएंगे। हमारी फ्लाइट का नाम है बोइंग 777-300। बैग ले लिए हैं, काफ़ी टाइम लग गया यार बैग लेने में, तो चलो अब निकलते हैं एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट बहुत खराब बना रखा है यार हम। चलो भाई चलते हैं। ओ सॉरी भाई, यहाँ ड्राइवर सीट में भूल गया था। यहाँ पे तो नॉर्मल गाड़ी थी ना भाई, अरे जबरदस्त है ना, अपना ये होटल है। वेलकम टू दुबई, पहुंच गए होटल, हम रुके हैं सुहा मीना में। तो आज भाई आपको एक बार रूम का टूर दे देते हैं, रूम नहीं है पूरा अपार्टमेंट है इधर, ऐसा घुसाना होता है।
वैसे हम आ चुके हैं दोबारा, ये रीटेक हो रहा है हमारा। रीटेक मतलब एक बार आके सामान रख लिया इसने। इंजन आ जा, ये अपनी किचन है भाई, ठीक है। यहाँ पे हम बाहर का खाएंगे, तुम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि सब जानते हो विदाउट अनियन गार्लिक ही खाता हूँ मैं, तो यहाँ बिना प्याज लहसुन का ही बनेगा खाना। बाहर का खाना हुआ तो खा लेंगे, यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि जो मैं लास्ट टाइम आया था ना बहुत चीज़ें मिलने वाली। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लाइटिंग स्टाइल देखो, पुश किया ये बंद, पुश किया ऑन, और ये पुश किया ऑन, और ये ज़्यादा होती है इससे कम हो जाती है। इधर को आइए, देखो भाई यहाँ पे बैठने के लिए ये रुको, ये अपार्टमेंट है। और यार यहाँ पे एक चीज़ है, आप देखोगे कि हम मैं फ्लाइट से उतरा, टैक्सी में बैठा, टैक्सी में बैठते सारी स्पोर्ट्स कार दिखनी स्टार्ट हो गई। और दूसरा यहाँ की रोड बहुत प्यारी है, मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बस एक ही इधर का नेगेटिव पॉइंट है, वो है गर्मी। गर्मी भाई शरीर तोड़ देती है, इतनी गंदी गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे। भैया बता रहे थे, कह रहे इस टाइम तो फिर भी ठीक है, 38 डिग्री टेम्परेचर है ना, ये 38 हाँ रात को 28 है, लेकिन कह रहे गर्मियों में भाई 50 तक जाता है, 48-50 के बीच, कुछ क्या बुरा होता होगा। तो भाई तो चलो एक और रूम है वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ के ड्रॉर ऐसे हैं कुछ। हम आ चुके हैं ना, मैंने बोला ना हम आ चुके हैं, हमने सामान रख दिया है। लेकिन अच्छा इधर का टॉयलेट ये है, इस अपार्टमेंट में दो रूम है और तीन टॉयलेट हैं। ये बाथरूम है इधर का। दुबई खैर कोई दूर नहीं है इंडिया से, पास ही है, 4 घंटे की फ्लाइट है सारी, और 1.5 घंटा पीछे है इंडिया से। बट यार बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, अगर किसी ने आना है ना यहाँ पे, एक्चुअल में सिर्फ एक गर्मी को छोड़ के बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं है यहाँ पे, हर एक चीज़ है यहाँ पे। और क्राइम तो भाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, क्राइम बिल्कुल भी नहीं है, चोरी बिल्कुल नहीं हो सकती। लास्ट टाइम आया था मैं, मुझे याद है फ़ोन, रिंग, पैसे और ऐसी ये सारी चीज़ें ना हमारी रह गई थी कहीं अलग अलग जगह पे, कहीं पे फ़ोन रहा, कहीं पे रिंग रही, कहीं पे कुछ, सारी मिल गई। तो भाई आज एक्चुअली हुआ बात ऐसी रही, वहाँ पे बैठ के बताता हूँ, हमने टिकट वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लिया, बोर्डिंग पास हो गया, हो गया, और जब हम मेन एंट्रेंस पे पहुँचे ना फ्लाइट लेने के लिए, वहाँ पे मेरी टिकट मेरे पास नहीं आई बैग में, तो वहाँ पे ना आज की डेट की स्टैंप की जगह कल की डेट की स्टैंप लगा दी, समझ गए ना। सपोज करो आज 1 है तो उन्होंने 30 का कर दिया, यार ये लापरवाही वाली बात है, ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसे होना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ऐसे नहीं हमारे हो रखा था, हमारे जैसे 10 लोग और थे। तो ऐसा करो अभी हमने एक बार जिम में भी राउंड मार के आ जाते हैं, फिर हम ब्लॉग का एंड करते हैं, ठीक है, इसका इस होटल का सुहा मीना का, अब जिम भी देख लेना, ठीक है। चलो हम पहुँच गए हैं जिम, तो भाई ये है जिम, कुछ ऐसा है, ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार ये आपकी ड्यूटी है, करते रहना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। तो मैं आपका दोस्त साहिब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुबई की ही, दुबई का टूर करते हैं, बढ़िया से घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।